शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या? फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं बल्कि वास्तव में जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम हम जिनको बोल सकते हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत ही देश के धुनंदर हास्य विनोदी जो जिनका स्वभाव ही है, और इसलिए हास्य कवि नहीं मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि दो विदूषक बहुत अपने समय में रहे। एक तो दक्षिण में तेनाली रामा को जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अनिल अग्रवंशी जी की छवि नजर आती है। जोरदार तालियों के साथ हम अनिल अग्रवंशी जी का स्वागत करें। दूसरे हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप होते हैं ICCR विदेश मंत्रालय से प्रकाशित पत्रिका गगनांचल के प्रधान संपादक आशीष कंधवे जी। अभी आप सांस्कृतिक केंद्र म्यांमार के आप निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है म्यांमार में, और जिस प्रकार से आपने ICCR की पत्रिका का आपने सुसंचालन किया, आप वहां पर सांस्कृतिक निदेशक के रूप में आप वहां पर देश की ख्याति आप और फहराएंगे। आशीष कंधवे जी का हार्दिक स्वागत है। तीसरे हमारे बीच में जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है उसका नाम होता है श्री हंसराज रलहन। श्री हंसराज रलहन कंपनी चंदा कैसेट्स और मैना कैसेट्स के आप चेयरमैन हैं, और संभवतः नहीं सुनिश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि टी सीरीज सरीखी कंपनियों में शुमार जिनका नाम होता है वो चंदा कैसेट्स का नाम होता है, सोनाटेक का होता है। और आपने कितने ही, चाहे वो सपना चौधरी हो, चाहे वो हरियाणा के लोकगीत हो, लोक कलाकार हो, और ऐसे लोगों को आपने मंच प्रदान किया, हजारों लोगों को आपने प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है। और हमारे बीच में चौथी जो काव्य जगत की जो प्रतिष्ठित एक विभूति है उनका नाम होता है श्री दिनेश वत्स। दिनेश वत्स बहुत बड़े अच्छे हास्य कवि हैं, और हास्य कवि के साथ साथ वह कादंबनी पत्रिका से भी जुड़े हैं, हिंदुस्तान समाचार से भी जुड़े हुए हैं। तेनाली रामा के रूप में जो प्रतिष्ठा था उनको हम मंच पे लेके आए हैं। ऐसे हास्य युग कवि का नाम होता है अनिल अग्रवंशी जी। जोरदार तालियों के साथ हम अनिल अग्रवंशी जी का स्वागत करते हैं। श्री अनिल अग्रवंशी।
सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, साधना टीवी के माध्यम से देश के तमाम कवि जो मंच जिनको मिल रहा है वो पूरे देश में शोहरत प्राप्त कर रहे हैं। प्रवीण आर्य जी पिछले लगभग 18 वर्षों से इसका संचालन कर रहे हैं और लगभग 10,000 कवि यहाँ से नवोदित कवियों का उदय हुआ जिन्होंने बाद में जाके काफ़ी अच्छे मंच भी प्राप्त किए। ये बड़ी बात है। आज जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने प्रोफेशनल व्यक्तिगत हित के लिए तो काम करती हैं, लेकिन हमारे देश के साहित्य के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं साधना टीवी का भी तो धन्यवाद करूंगा। साथ में सतमौला के चेयरमैन हमारे अनिल मित्तल साहब हैं, उनका भी मैं एक आभार व्यक्त करूंगा। और प्रवीण भाई लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। सौभाग्य मेरा ये कि मेरे साथ आज आशीष भाई जुड़े हुए हैं, मेरे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं और सोनोटेक के चेयरमैन जो मेरे गाँव से भी हैं, मेरे बड़े भाई हंसराज रलहन भी हैं। मैं चाहता हूँ एक बार सबके लिए तालियाँ बजा दूँ। तुलना कर दी मेरी तेनालीरामा से, वो इसलिए कर दी क्योंकि तेनालीरामा साउथ के थे और मेरी मूछें देख के इनको ये लगा कि ये वहीं का ही पाएगा पिछले जन्म में, वरना ऐसी कोई खास बात नहीं थी, और भी लोग थे मेरी तुलना करने के लिए। लेकिन मैं, वो तो खैर बहुत बड़ी हस्ती थे तेनालीरामा जी। अगर हम आदित्य जी की बात करें, हास्य के सिरमौर अल्हड़ जी की बात करें, अशोक चक्रधर जी की बात करें, सुरेंद्र शर्मा जी की बात करें, काका हाथरसी जी की बात करें, ऐसे तमाम नाम हमारे जहन में हैं जिनको सुन सुन के मैं बड़ा हुआ। हरियाणा मूल मेरा जन्म स्थान, दिल्ली रहता हूँ। कुछ कविताएं ऐसी माँ की कृपा से उपस्थित हुई। श्री छोटेलाल जी, जिनका नाम मैं जरूर लूंगा, दिल्ली टीवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे मैंने 20 वर्षों तक संगीत की शिक्षा ली और संगीत की शिक्षा के साथ गीत मैं दिल्ली टीवी पे लिखा करता था। और हास्य की तरफ कब मुड़ा मुझे पता नहीं चला। पारिवारिक माहौल हमेशा हरियाणवी रहा। तो जब मैं शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम वाहवा क्या बात में गया तो देश में सर्वाधिक बार बुलाए जाने वाला वो कवि रहा। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ ने मुझे वो प्रतिभा दी है और ये सब आप लोगों की दुआओं का कमाल है। एक हास्य कविता, क्योंकि कविताओं के अंदर गुरुजी ये बात कहा करते थे कि बेटा हास्य कविता हो लेकिन उसके अंदर कुछ मकसद, कुछ प्रेरणा जरूर होनी चाहिए। हम बच्चों का जीवन मार रहे हैं, टेंशन में जीवन गुजार रहे हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चे 80% में भी आत्महत्या कर लेते थे। हमारे टाइम में मास्टर आत्महत्या करा करता था। मैं कभी नंबर नहीं लाया, बोला मैं जहर खा के मर जाऊंगा, तू नंबर लिया। मैं तू कल का मरता, आज मर जा, मैं इतने ही नंबर लाऊंगा। मैं नहीं लाया कभी जिंदगी में नंबर। नंबर भाई साहब कहां से लाऊंगा जब मेरी कैपेसिटी इतनी है। ये है हमारे हंसराज जी है, ये मेरे साथ पढ़ते थे। मैं 15 साल में 9वीं में चढ़ा, ये 5वीं में ही पढ़े रहे। आज सोनो टेक के कंपनी के मालिक है, क्या करोगे ज्यादा पढ़ लिख के। पढ़ो लिखो उतना जो टेंशन से दूर रहो। तो तालियां बजा दो एक बार। हास्य कविता सुनाता हूँ सब कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया। हौसले इतने बुलंद, सर कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया, वही पाया उसी बेंच पे। और हरियाणा की तो मस्ती भी अलग है। यहाँ पर पहले के बच्चे टेंशन नहीं लेते थे। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया हरियाणा में, पिताजी ने पूछा अभी रिजल्ट आया क्या हुआ, कह रहा सरपंच का लड़का फेल हो गया। कह रहा बेटा मैं तेरी पूछ रहा हूँ तेरा क्या हुआ, कह रहे पिताजी गांव के डॉक्टर का लड़का भी फेल हो गया। अरा कह रहा सरपंच का होगा डॉक्टर का होगा, बेटा तेरी पूछ रहा हूँ तेरा क्या हुआ, बोला पिताजी प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री है, तेरा भी निमट गया। तो ये हरियाणा के बच्चों की वो है भाई साहब। छोटे वाला भाई कई के ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया। और ये पंक्ति सुनना और आशीर्वाद देना, 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में उस समय सर 33% नंबर आए थे। कितनी मेहनत करी थी मैंने, उस टाइम 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे, कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सुबेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर चाहिए कि आज बच्चे 80% पर भी नंबर लाकर आत्महत्या कर लेते हैं। पहले बच्चों के 33% आते थे तो भी भंडारे होते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चों का बचपन कहां ले गए।
बड़ी बुआ दरवाजे से आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया, पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, खुशी के मारे दिवाली आ गई जैसे, पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रिश्तेदारों को दिखाऊंगा और कविता का पावरफुल पंच देता हूँ, फिर आपका प्यार चाहता हूँ। बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जो, ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी परवीन भाई, 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। हंसराज भाई की शादी स्कूल से हुई है, 6ठी में पढ़ते 24 साल के हो गए, हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वही पढ़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, अरे हर वक्त एक अभाव में रहते हैं, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम हमारे हास्य व्यंग के प्रमुख एक ध्वजवाहक अनिल अग्रवंशी जी। और अब मैं अनिल अग्रवंशी जी के साथ के बाद जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि गगनांचल के प्रधान संपादक श्री आशीष कंदवे जी। आप नवनियुक्त, आप म्यांमार में आप सांस्कृतिक निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है और बहुत ही आप लब्ध प्रतिष्ठित कवि भी हैं, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ श्री आशीष कंदवे जी को, जोरदार ताली के साथ। नमस्कार, मैं आशीष कंदवे सतमोला कवियों के चौपाल में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सतमोला कवियों का चौपाल वर्तमान समय में नए कवियों और नए क्यों, मैं तो ये भी कहूँगा प्रतिष्ठित कवियों के लिए भी एक सुनिश्चित स्थान बना चुका है समाज में, साहित्य के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, कविता के दृष्टिकोण से और कई बार चिंतन के दृष्टिकोण से भी। इस अनवरत यात्रा को निरंतर इतने समय तक गतिमान रखने वाले भाई प्रवीण आर्या जो इसके संयोजक के रूप में उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन करता हूँ। देश के बहुत ही मशहूर अग्रगण्य कवि जिनके बारे में मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि वो हास्य कवि हैं, वो संवेदना के कवि हैं, बहुत अच्छे, वो समाज की वेदना के कवि हैं, समाज की करुणा के कवि हैं। ऐसे करुणा के कवि भाई अनिल अग्रवंशी जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ देश के वरिष्ठ हास्य कवि भाई दिनेश वत्स जी का, अभी आप लोग उनकी रचनाएं भी सुनेंगे, और एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का अभिनंदन मैं करता हूँ जो सोनोटेक के माध्यम से गीत संगीत की साधना करते रहे हैं, हमारे सबके प्रिय भाई हंस राजी रहन। क्या मित्रों, चार कवि बैठ जाएं तो रवि भी थक जाता है। क्यों थक जाता है, चार पंक्तियों से कहता हूं कि हारता गया पर हारा नहीं हूं, हारता गया पर हारा नहीं हूं, लौटा कभी दोबारा नहीं हूं, रास्ते छूटे या छूटे मंजिल, हकीकत हूं इशारा नहीं, हकीकत हूं इशारा नहीं। छोटी छोटी एक दो रचनाएं आज अनिल जी के साथ बैठने से कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर में, मेन कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो पड़ोस को भी वायरस का डर होता है, तो वो एक वायरस आज मुझ में भी आ गया।
वैसे मैं गंभीर चिंतन परक कविताएं गजलें लिखता हूं, लेकिन इनके साथ बैठकर मन हास्य का हो गया। जी सर, स्वागत है। तो एक कविता पहले मैं आप सबके बीच रखता हूं, संघर्ष की कविता। स्वागत। वेदना की कविता है, उसकी वेदना है जो पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख करके बायोडाटा बनाता है। क्या बात। देखिए कि मैंने कुछ शब्दों में उस वेदना को कैसे समेटा है कि न बुआ न मौसी सबसे जरूरी चापलूसी, न बुआ न मौसी सबसे जरूरी चापलूसी, लोकतंत्र में इसका महत्व है विशेष, सारी योग्यता रह जाती है धरी शेष, ना दर्ज होगा कोई मुकदमा ना केस, अगर तुम हो मंत्री के विशेष, इससे सुंदर योग्यता और होगी बताओ कौन सी, न बुआ न मौसी सबसे, न बुआ न मौसी सबसे बड़ी चापलूसी, और प्रजातंत्र का यह जरूरी तत्व है। प्रवीण भाई, प्रजातंत्र का लोकतंत्र का यह जरूरी तत्व है, पार्टी कोई भी आ जाए इसका विशेष महत्व है। वाजी वाह वाह वाह, पार्टी कोई भी आ जाए इसका विशेष महत्व है, करानी हो पोस्टिंग गर मन मर्जी की, या फिर रखते हो इच्छा किसी सरकारी पद की, जरूरत है बस सत्ताधारियों के रंग में रंग जाने की, नबुआ न मौसी सबसे जरूरी चापलूसी, नबुआ न मौसी सबसे जरूरी चापलूसी, भाषा साहित्य में भी इसकी पकड़ बेजोड़ है, भाषा और साहित्य में भी इसकी पकड़ बेजोड़ है, कैसे बताऊं किसका किसके साथ गठजोड़ है, कैसे बताऊं किसका किसके साथ गठजोड़ है, दिन में अंधेरा अंधेरे में भोर है, विद्वान मौन और भिखमंगों का शोर है, विद्वान मौन और भिखमंगों का शोर है, सबको जल्दी है गंगा नहाने की, साहित्यकारों को पद्मश्री पाने की, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबको जल्दी है गंगा नहाने की, साहित्यकारों को पद्मश्री पाने की, न बुआ न मौसी सबसे जरूरी चापलूसी। क्या कहने मित्रों, लालटेन जलाओ। प्रवीण भाई, इशारे देखिएगा कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कि लालटेन जलाओ हल जोतो या हसिया दिखाओ, लालटेन जलाओ हल जोतो या हसिया दिखाओ, साइकिल चलाओ हाथ पकड़कर हाथी पर बैठ जाओ, साइकिल चलाओ या हाथ पकड़कर हाथी पर बैठ जाओ, बदल रहा है भारत बदल गई है सरकार, जो भी बचे खुचे हैं अरे कमल के साथ आ जाओ, बहुत अच्छे बहुत, अरे जो भी बचे खुचे हैं कमल के साथ आ जाओ, तुष्टिकरण भ्रष्टाचार आतंकवाद की अब ऐसी की तैसी, पर फिर भी नहीं कमजोर पड़ी है चापलूसी, न बुआ न मौसी सबसे जरूरी चापलूसी। ये थे आशीष कंधवे जी, सांस्कृतिक निदेशक म्यांमार से हमारे बीच पधारे हैं। आशीष कंधवे जी गगनांचल के आप संपादक भी रहे हैं, और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन हम अपने आशीर्वाद प्रदान करने वाले व्यक्तियों को बुलाते हैं, कई बार सोचते हैं कि जो आशीर्वाद प्रदान करने वाले व्यक्ति केवल आशीर्वाद दे करके चला जाएगा, लेकिन ये हम ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिसका इस कार्यक्रम से सरोकार है, साहित्य से जिनका सरोकार है, जो एक ध्वजा फहराने जा रहे हैं म्यांमार में, सांस्कृतिक भारत का जो एक सांस्कृतिक गौरव के ध्वजा फहराने के लिए आपका जो चयन हुआ है म्यांमार में, मैं आपको सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से बहुत बहुत आपको अभिनंदन करता हूं, आप यशस्वी हो, और इसी शुभकामना के साथ मैं एक बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित अपने हास्य व्यंग्य के कवि अपने मित्र दिनेश वत्स जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जय जोरदार ताले के साथ हम दिनेश वत्स जी का हम स्वागत करें। दिनेश वत्स जी नमस्कार। जैसा कि प्रवीण भाई ने आदेश किया है, मैं कुछ छोटी छोटी रचनाएं से अपनी बात शुरू करता हूं कि अखबार वालों के लिए कहा जाता है कि वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बात कह देते हैं, तो तब मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की है कि जुम्मे को मैं इतवार बना दूं, आज इतवार है, आज इतवार के दिन भाई ने ये प्रोग्राम रखा है कि जुम्मे को मैं इतवार बना दूं, कुर्ते को मैं सलवार बना दूं, जुम्मे को मैं इतवार बना दूं, कुर्ते को मैं सलवार बना दूं,
देखते रह जाएंगे आप, कलम को मैं तलवार बना दूं, कलम को मैं तलवार। बहुत 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 बढ़िया। और छोटी सी चार पंक्तियां और देता हूं कि एक दिन की सर्दी ने सितम ढहा दिया, एक दिन की सर्दी ने सितम ढहा दिया, अखबार वालों ने दिल्ली को शिमला बना दिया। एक दिन की सर्दी ने सितम ढहा दिया, अखबार वालों ने दिल्ली को शिमला बना दिया। अखबार वाले भी गजब हैं, अखबार वाले भी गजब हैं, जब बीवी सितम ढहाती है तो अखबारों से खबर गायब हो जाती है, जब बीवी सितम ढहाती है तो अखबारों से खबर गायब हो जाती है। और एक छोटी सी पंक्ति और देता हूं, आज के माहौल में बेशक व्यस्त है जिंदगी, आज के माहौल में बेशक व्यस्त है जिंदगी, जवान रहिएगा आप, करते रहिए दिल लगी, जवान रहिएगा आप, करते रहिए दिल लगी, जरूरी नहीं दिल लगी दिल रुबा से करें, जरूरी नहीं दिल लगी दिल रुबा से करें, भाभी ऐसी हो जो पड़ोसी जलजल मरे, भाभी ऐसी हो जो पड़ोसी जलजल मरे। और क्रिकेट और सत्ता की बात हुई थी तो मैं एक रचना देता हूं जिसका शीर्षक है क्रिकेट और सत्ता। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले वो क्रिकेटर थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो तब मैंने एक रचना लिखी पुलवामा अटैक के बाद। जी स्वागत स्वागत। क्रिकेट और सत्ता। इमरान मत हो हैरान परेशान, इमरान मत हो हैरान परेशान, नहीं ये क्रिकेट का मैदान, इमरान मत हो हैरान परेशान, नहीं ये क्रिकेट का मैदान, राजनीति का तू नया खिलाड़ी है, फेंकी पुलवामा में आतंकी बाउंसर, फेंकी पुलवामा में आतंकी बाउंसर, घूमा बल्ला नमो का, बोल्ड तेरे आतंकी घर, बोल्ड तेरे आतंकी घर। और अगली पंक्तियां देखिएगा कि स्लिप पॉइंट है तेरे पास, क्रिकेट की शब्दावली को लेकर के रचना लिखी है तो आप लोग क्रिकेट भी देखते ही हैं। कि स्लिप पॉइंट है तेरे पास, घटिया तेरे थर्ड मैन, बालाकोट की पिच पर कूटा तुझको, ना फेंकना बाउंसर फिर मुझको, ना फेंकना फिर बाउंसर मुझको। और पंक्तियां हैं कि मैच कश्मीर का नहीं होगा टाई, कश्मीर को लेकर के जो हमारा चल रहा है, तब कहते हैं हमारे नमो कि मैच कश्मीर का नहीं होगा टाई, फास्ट बॉलर है मिराज भाई, मैच कश्मीर का नहीं होगा टाई, फास्ट बॉलर है मिराज भाई, फितरत नहीं मैडन ओवर की, फितरत नहीं मैडन ओवर की, हर बॉल पे विकेट तेरी चटकाई, हर बॉल पे विकेट तेरी चटकाई। बहुत अच्छा बहुत। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि स्लिप हो गए तेरे स्लीपर सेल, दिल्ली में 97 में लगभग 30 बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी, जिसको हमने अपने खुद मतलब कवर किया था उसको, तब मैंने ये बात कहने की कोशिश की, और स्लीपर सेल जो होता था वो वहां पर ये अटैक करते थे, तो तब मैंने बात कही है, जब से मोदी जी आए हैं तब से तब से जो है दिल्ली के अंदर कोई भी ब्लास्ट की घटनाएं नहीं हुई है, तब मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि स्लिप हो गए तेरे स्लीपर सेल, गली में तेरी क्रंदन है, कि स्लिप हो गए तेरे स्लीपर सेल, गली में तेरी क्रंदन है, रिकॉर्ड बना लौटा अभिनंदन, तिरंगे का करता अभिनंदन है, तिरंगे का करता अभिनंदन है, तिरंगे का करता अभिनंदन। सतमोला कवियों की चौपाल में से चयनित प्रत्येक शूट पर 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों को आप सोनोटेक में आप प्रस्तुति के लिए अवसर प्रदान करते रहेंगे, जो जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री हंसराज रहलन जी को। हंसराज रहलन जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये एक प्रमाण है जिनके हम साथ हम लेते हैं वो चिरकाल के लिए होता है। जैसे सतमोला के साथ हमारा संबंध 19 वर्ष से अधिक का हो चुका है, आपका हमारा संबंध चाहे 2-3 वर्ष का हो लेकिन आपका भी हमारा संबंध जीवन पर्यंत रहेगा। अनिल भाई तो हमारे इस कार्यक्रम के एक जिसको बोलते हैं ना रक्त प्रवाह करने वाले, हमारे एक पूरा नाड़ी तंत्र है सतमोला कवियों चौपाल का साहित्य सरगम। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद देने के लिए श्री हंसराज रहलन जी, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम हंसराज रहलन जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी। मैं साधना टीवी का और हमारे जो सतमोला कवियों की पूरी टीम है इन कवियों का भी, और आज हमारे आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि सभी आए और मेरे अनिल भाई,
छोटे अगरवंशी जी इतने अच्छे इन्होंने प्रोग्राम करते हैं, हमेशा आप देखते रहते हैं, सभी अच्छे कवि आज मिले, बहुत अच्छे कवि, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साहित्य सरगम का मैं भी वॉइस प्रेजिडेंट हूँ, और भाई ने जैसे आर्य जी ने कहा है कि जो भी यहाँ पे कवि, मैं तो कहता हूँ सभी ने अच्छी कविताएं की, मैं तो सभी का स्वागत करता हूँ, जब भी आए सोनाटेक में हम सबका ही करने को तैयार रहेंगे। बाकी जो आप दोनों बैठे हैं, जो आप जिसके विषय में कहेंगे मैं उसी का ही, आप ऑडियो वीडियो जो भी तैयार करना चाहें हमारे यहाँ पे निःशुल्क कर सकते हैं, और आप सबका स्वागत रहेगा। इतने मीठे मीठे कवि थे, मैं बताऊँ आपको अनिल जी, एक बारी एक मीठे कवियों की वजह से बता रहा हूँ, मीठी मीठी कविताएँ करी, तो गुड़ चला गया भगवान के पास। हाँ। गुड़ कहता है भाई मेरे को शिकायत है, आप मेरी शिकायत दूर करो। भगवान बोला अभी तेरे को क्या शिकायत है, गुड़ को क्या शिकायत हो सकती है, मेरे को शिकायत है सबसे ज्यादा, मुझे शिकायत है। हाँ। कहता क्या शिकायत है भाई, जो भी देखता है मुझे खाने को आता है। जो मुझे देखता है खाने को आता है। भगवान ने कहा थोड़ा साइड में खड़ा होकर बात कर, मेरा भी दिल कर रहा है भाई। एक गाँव, मैं भिवानी का हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, तो एक मेरे गांव का आदमी यहाँ प्रगति मैदान में आ गया, तो उन्होंने देखा मेला लगा हुआ था, तो उसमें एक बहुत अच्छी फ़ोटो लगी हुई थी, फ़ोटो लगी हुई थी, उस पर एक बुजुर्ग आदमी की फ़ोटो थी, बूढ़े आदमी फ़ोटो थी, बुजुर्ग आदमी फ़ोटो थी, और घोड़े पर था, और साथ में उन्हें बंदूक ले रखी थी, तो उसको बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी फ़ोटो, तो उन्हें सोचा ये फ़ोटो ले जाएँ घर में लगाऊँगा, बड़ा अच्छा लगेगा, गाँव वालों को दिखाऊँगा सबको। तब उन्हें फ़ोटो वाले से पूछा भाई फ़ोटो कितने की है, उन्हें बताया जी फोटो 5,000 रुपये की है। उन्हें जेब में देखा 5,000 रुपये की, तो उन्हें हाथ सारी जेब टटोली, तो उन्हें देखा तो उसके जेब में 4,500 रुपये निकले। उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट करी दुकानदार को भाई ये फ़ोटो दे दे मुझे बहुत पसंद है, मैं गाँव में लगाऊंगा। उन्हें दी नहीं उसको, और मन में बड़ा उसको दुख हुआ। जब वो एक हफ्ते बाद एक मित्र के घर गया, तो उन्हें देखा कि वही फ़ोटो उसके ऊपर वहाँ पर घर पर लगी बैठक में, उन्हें देखा फ़ोटो वही है, तो वहीं से आई होगी फ़ोटो शायद। उन्हें पूछा उसे भाई आपकी ये फ़ोटो आपने कहाँ से ली, उन्हें कहाँ से ली, ये तो मेरा दादा है भाई। मेरा दादा है गांव में, पहले हमारे घुड़सवार थे, घोड़े थे हमारे, मेरे दादा को शिकार का बहुत शौक़ था, ये मेरे दादा की फ़ोटो है। वो बोला भाई बात सुन ले, 500 रुपये कम रह गए ना तो मेरा दादा होता। एक शराबी सुना दूं और अनिल जी ये तो आपके हैं, आप वाला सुनाऊं? सब स्वतंत्र हो आप। एक शराबी, आप देखते हो शराबी, और ऐसे बताऊं आपको शराबी के बारे में जितना बुरा बताया जाए इतना बुरा होते नहीं, इतने बुरे वो, बहुत सच्चे दिल के, साफ दिल के होते हैं, भारत सरकार का रेवेन्यू वही जनरेट करते हैं। एक शराबी दूसरी मंजिल से नीचे गिरा, नीचे गिरा तो 5-7 आदमी दौड़ के आए, कौन गिरा, आके पूछने भाई क्या हुआ क्या हुआ। शराबी से पूछे भाई क्या हुआ, बोला भाई पता नहीं मैं तो अभी अभी आया हूँ। एक शराबी की और बात बताऊँ, एक शराबी एक गली में बैठा बैठा सिर पकड़ रहा और खून आ रहा उसके, बहुत तेजी से खून आ रहा, सब खून आ रहे, तो उसको देख रहे सब, भाग क्या है भाई, भाई क्या हुआ तेरे को, कैसे क्या लगी भाई, कैसे हो गया। बोला भाई ये खंबा देख रहा है आपको, बोला हाँ, बोला भाई मेरे को नहीं देखा। तो ऐसे हमारे आप जानते हैं ये कविताएं जो हैं, आप लोग कवि जो आप बनाते हैं या हमें हंसाते हैं, मैं तो आपकी चौपाल में आज इसलिए आया था, आप लोगों को सुनने बड़ा आनंद आया, और सच में ही कवि है हमारे जो हैं वो जीवन को शिक्षा भी देते हैं, और हमारे जीवन को कैसे टेंशन से दूर रखें, हमारे मैं तो कहता हमारे डॉक्टर भी हो आप डॉक्टर वाला काम भी करते हैं और हमें शिक्षा भी देते हैं, साहित्य को भी आप संभाल के रखते हैं, हमारी संस्कृति को भी संभाल के रखते हैं, इसी से भारतीयता है, जहाँ पे हमारी पुरानी कलाएं हैं उनको आप उजागर करते हैं, हमारे इतिहास है उन्हें आप उजागर करते हैं, हमें जो एक जज्बा पैदा होना चाहिए बच्चे में बड़ों में देशभक्ति का, वो भी आप पैदा करते हैं, और हमें हंसी खुशी भी देते हैं आप। तो मैं आप सब कवियों का, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद दर्शकों का भी धन्यवाद है, आप दर्शक हैं तो ये सब कवि हैं और हम हैं, और आपको साधना टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साहित्य सरगम, श्री साहित्य सरगम है जो, उनका भी धन्यवाद, और आप तो सतमोला, जिनका नाम ही सतमोला है, सतमोला कवियों के चौपाल, सभी तो 19 साल इन्होंने जो सफ़र तय किया है ये बहुत बड़ी बात होती है,
और आप 750 करीब आपने एपिसोड बनाए हैं और हजारों कवियों को आपने जो पुनर्जन्म दिया है, उन्हें मार्केट में उतारा है, उनको प्रसिद्धि दी है, उनको एक मंच दिया है। और मैं तो आप सबका पूरा ही, जितनी पूरी टीम है आपकी, सबका धन्यवाद करता हूँ। सोनटेक आपके लिए हमेशा धन्यवाद है। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल में बड़ा ही हमारा परम सौभाग्य है, गीत और कविता घनाक्षरी दोहों से जितना जिनका सरोकार रहता है, ऐसे हमारे कवि मित्र हमारे बीच में हैं और देश के लब्ध प्रतिष्ठित गज़लकार, चर्चित गज़लकार जिनको हम जानते हैं राम अवतार भैरवा जी के नाम से। राम अवतार भैरवा जी के मैं संस्थान का तो मैं कोई जिक्र करना नहीं चाहूँगा। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी चर्चित गीतकार राम अवतार भैरवा जी को मैं एक रचना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ दो पंक्तियों के साथ कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, देफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। राम अवतार भैरवा जी सबको मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। और जिस मंच पर हंसराज जी, अनिल जी, आशीष जी हों, वहाँ आशा की नई कविता अपने आप फूट पड़ती है। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बहुत से युवा श्रोता बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सीधे से अपनी रचना पे आता हूँ। एक रचना के लिए बोला, मैं एक रचना सुनाऊँगा, एक रचना, एक ही मेल जोल की। सारे युवा ध्यान दें कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। जब मैं छत पे होता हूँ, तुम भी छत पे रहा करो। सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। जब मैं छत पे होता हूँ, तुम भी छत पे रहा करो। और क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। कि क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। जैसे कुछ भी पता नहीं, ऐसे अंजा बन के रहा करो। वाह वाह वाह। कि क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। जैसे कुछ भी पता नहीं, ऐसे अंजा बन के रहा करो। और तेरी नजर से श्वेता जी, कि तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला। कि तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला। ना घर में बंदी हो जाऊं, तुम नजर मिलाते रहा करो। कि तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला। ना घर में बंदी हो जाऊं, तुम नजर मिलाते रहा करो। और इसी क्रम की एक आध पंक्ति और पढ़ देता हूँ। सारे युवा श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आनंद से सुन रहे हैं। कि ना गुलाब दे रहा हूँ, ना कमल दे रहा हूँ। क्या बात। कि ना गुलाब दे रहा हूँ, ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। क्या कह रहे, वाह। कि ना गुलाब दे रहा हूँ, ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। और अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली। अमीर होता, आशीष जी, कि अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली। गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। कि अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली। गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। और मैं तो तेरा दीवाना हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं तो तेरा दीवाना हूँ, मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। मैं तो तेरा दीवाना हूँ, मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुना। राम अवतार जी, अभी दिल हमारा भरा नहीं, और आपने बहुत जहाँ गजल में कुछ ऐसी चीज आती, दिल और दखल। और सतमौला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद एक देश से पधारे नए और प्रतिष्ठित गीतकारों के साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ।
स्वागत है आप सबका अंतराल के बाद में आपके अपने प्रोग्राम में। अभी तक हम देश के वरिष्ठ और शीर्षस्थ कवियों को सुन रहे थे, आज उन नवांकरों से मिलने के लिए भी हम तैयार हैं। और नवांकरों में हमारे बीच में सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। असम से हमारे बीच में चलकर आई हुई हैं सुषमा पारख जी, उनका हार्दिक स्वागत है। आप ही के साथ में हमारे बीच में जर्मनी से चलकर के नंद सारस्वत स्वदेशी जी हम सबके बीच में आए हुए, आपका भी स्वागत। इसी के साथ में कोलकाता से हम सबके बीच में चलकर आने वाले विजय इस्सर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में फतेहपुर उत्तर प्रदेश से दीप चंद्र गुप्ता जी हम सबके बीच में आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम से, और कार्यक्रम में जुड़ने के बाद में मैं बुलाता हूँ देश की एक ऐसी आवाज को कि जो कि पूर्व से आती है और वहां से सूर्य का उदय होता है। मैं बुलाना चाहता हूं असम से आई हुई सुषमा पारख जी को कि वो आए और अपने गीत के माध्यम से हम सबको आनंदित करें। सुषमा पारख जी। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा आज का शीर्षक रहेगा वृद्धाश्रम। क्या आत्मा के हर कोने को झकझोर देने वाला शब्द वृद्धाश्रम। क्या संतान की यही जिम्मेदारी रह जाती है कि जब फुर्सत के पल आए माँ बाप के तब छोड़ आओ उसे वृद्धाश्रम में। आज जिन जिन के भी माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ माँ बाप के कर्ज का और कुछ मेरे सवालों का दिल से मंथन जरूर करें। क्या बात। माँ बाप धरती पे रूप भगवान का होते हैं, फिर क्यों उनके ही बच्चे छोड़कर उनको वृद्धाश्रम में आते हैं। पत्थर की मूरत को दिन रात रिझाते हैं, जो है साक्षात ईश्वर क्यों छोड़ कर उनको वृद्धाश्रम में आते हैं। त्याग समर्पण समझौते जो तेरे लिए माँ बाप करते हैं, क्यों उनके बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। बचपन तुम्हारा वो अपने सपने मार कर सजाते हैं, फिर क्यों उनका ही समर्पण उनके बच्चे भूल जाते हैं। सितम कर लो तुम कितने भी, बदले में दुआ ही बरसाते हैं। वो माँ बाप ही है जो हर गलती हंस कर भुलाते हैं। फिर क्यों छोड़ कर उनको वृद्धाश्रम में आते हैं। साथ अपने बच्चों का पाने को क्यों कोई माँ बाप तरसते हैं। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। साथ अपने बच्चों का पाने को क्यों कोई माँ बाप तरसते हैं। कैसी संतान हो तुम, कैसी संतान हो तुम जो बुजुर्गों को बिछड़न का एहसास देते हो। जो बुजुर्गों को बिछड़न का एहसास देते हो। क्या बात। जो दुआएं बेसुमार देते हैं, जो दुआएं बेसुमार देते हैं आत्मा भी तुम उसी की रुलाता है। कैसी संतान हो तुम। स्वागत है। फिर क्यों छोड़ कर उनको वृद्धाश्रम में आते हैं। हिसाब सबका एक सार होता है, हिसाब यहाँ सबका एक सार होता है। जो छोड़ कर आए वृद्धाश्रम में उनको, जो छोड़ कर आए वृद्धाश्रम में उनको, बुकिंग अपनी भी वही अपने आप होती है। क्या बात। बहुत सुंदर। वो माँ बाप ही है जो हर गलती हंस कर भुलाते हैं। वाह क्या बात। जख्मों का दर्द भूल जाते हैं, जख्मों का दर्द भूल जाते हैं, पर जो चोट दिल पे लगी कैसे सह पाते हैं। वाह। सारी जिंदगानी जिसने लुटाई, सारी जिंदगानी जिसने लुटाई, वो बुढ़ापे में यूं ठुकराए जाते हैं। क्या बात। फिर भी दुआ कम नहीं होती,
वो माँ बाप होते हैं। क्यों छोड़ कर उनको वृद्धाश्रम में आते हैं। चलो माना गलती हो भी गई, लेकिन पश्चाताप हर गलती को भुला देता है। जो छोड़ कर आए वृद्धाश्रम में उनको उनको घर ले आओ, उनको घर ले आओ, उनकी खुशियां उनको लौटाओ। अपनी परवरिश को, अपनी परवरिश को लज्जित होने से बचाओ। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहाँ हंसते हैं बुजुर्ग वही खुशियों का ठिकाना है। ना छोड़कर उनको कभी वृद्धाश्रम में आना है, ना छोड़कर उनको कभी वृद्धाश्रम में आना है। सुषमा पारेख जी ने हम सबके बीच में एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया हुआ है जो आज शायद है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ संस्कार और संस्कृति से जो दूर हो रहे हैं वही एक प्रमुख कारण है कि हम वृद्धाश्रम की ओर अपने बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं। अगर संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो कभी भी वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी जो बुजुर्ग और अनुभव की बात जो मैंने की हुई है, तो अब मैं चलना चाहता हूं एक ऐसे अनुभव के पास में जो स्वदेशी भी हैं और प्रवासी भी हैं। जर्मनी में रहते हुए जो स्वयं को स्वदेशी कहते हैं, यही भारत की पहचान है, यही भारत के लोगों का भारत से जुड़ाव है, यही भारत के संस्कार हैं। मैं बुलाना चाहता हूं नंद सारस्वत स्वदेशी जी को कि वो आए और अपने काम पाठ से हम सबको आनंदित करें। बहुत 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 धन्यवाद भाई अवस्थी जी, स्वागत। सबसे पहले तो मैं साधना टीवी और सतमोला ग्रुप और भाई प्रवीण आर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और आपने सत्य कहा कि जो देश से बाहर रह के स्वदेश की बात करता है वो स्वदेशी होता है। तो मैं मेरे काव्य पाठ प्रारंभ करने से मेरे परिचय मुख से जुड़ता हूँ कि मैं कलम का हूँ सिपाही, नाम से हूँ नंद मैं कलम का हूँ सिपाही, नाम से हूँ नंद मैं, आपके चरणों में रखता दिल की बातें चंद मैं, मेरे हम नवा है आप मेरे हम सफर, आपके साये में पाने आया हूँ आनंद में, आपके में पाने आया हूँ आनंद में। और आनंद जब आता है तो देखिए आनंद की सीमा कि आज से कुछ साल पहले तक हमारा भारत किस परिस्थिति में था, आज हमारा भारत किस परिस्थिति में है। जिस G20 में हमारे भारत को एक सामान्य सदस्य के रूप में मान्यता नहीं थी, आज वो उसकी अध्यक्षता कर रहा है। हम लोगों ने क्या चमक और अपनी दमक फैलाई है विश्व में। एक मुक्त पेश करता हूं कि चमक फैली फलक तक हम बड़े ईमान वाले हैं, दमक फैली फलक तक हम बड़े ईमान वाले हैं, जगत में नाम चलता है हिंद का सात सागर पार, जहां सारा कहे हमको ये हिंदुस्तान वाले, जहां सारा कहे हमको ये हिंदुस्तान वाले। और एक तो देखिए कि जमी क्या आसमां तक में हमारी ही चमक होती, जमी से क्या आसमां तक में हमारी ही चमक होती, लबों पर मेहरबानों के हमारी ही खनक होती, जमाना जान है सब हमारे रंग जीवन के, भले महफिल किसी की हो हमारी ही धमक। आज हमारा देश इस परिस्थिति में है कि जिन अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया उन अंग्रेजों पे हमारा भारतीय शासन कर रहा है। ये भारत की बढ़ती हुई साख का द्योतक है। और अब एक छोटा सा गीत मैं पेश करके मेरे काव्य पाठ को विराम दूंगा। स्वागत। और ये गीत मैंने माता सीता के चरित्र से लिया और पूरी संपूर्ण स्त्री जाति के लिए मैंने गीत कहा है। कहता हूं
कि मन में मेरे प्रश्न अनेको, कहती हूँ मैं तुमसे देखो। मन में मेरे प्रश्न अनेको, कहती हूँ मैं तुमसे देखो। पुरुषों में पुरुषोत्तम हो तुम, पुरुषों में पुरुषोत्तम हो तुम, फिर भी मैं बेहाल राम तेरी सीता करे सवाल। राम तेरी सीता करे सवाल। और सवाल यह है कि माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांगी तो बुरा हुआ, लेकिन क्यों लांगी? मैं जवाब देता हूं कि माना मैंने रेखा लांगी, जो थी एक पुरुष ने बांधी, ग्रस्त धर्म का कर्म निभाया, फिर भी मैंने धोखा खाया। साधु रूप में पुरुष वो आया, साधु रूप में पुरुष वो आया, बन कर के कंगाल राम तेरी सीता करे सवाल। राम तेरी सीता करे सवाल। मन में मेरे प्रश्न अनेको, कहती हूँ मैं तुमसे देखो। पुरुषों में पुरुषोत्तम हो तुम, पुरुषों में पुरुषोत्तम हो तुम, फिर भी मैं बेहाल राम तेरी सीता करे सवाल। राम तेरी सीता करे सवाल। राम तेरी सीता करे सवाल। और राम को पुरुषोत्तम भी कहा है सीता ने, तो राम पुरुषोत्तम अगर हुए हैं तो वो सिर्फ राम अपने कृत्यों से पुरुषोत्तम नहीं हुए, उसमें सीता की संवेदना है, सीता के साथ में जो सहानुभूति, सीता ने जो पीड़ाएं सहन की हैं वो सब जुड़ती हैं। और मैं अब जुड़ना चाहता हूं विजय, क्योंकि राम ने विजय करने के बाद में ही अपने आप को एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम साबित किया, तो मैं जुड़ना चाहता हूं विजय इस्सर जी से, जो कि कोलकाता से आए हुए हैं, अपने आप को वत्स कहा करते हैं, तो मैं आपके और देश के इस प्यारे से वत्स को एक जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। विजय सर स्वागत। प्रथम नमन मां शारदे, नमन यशस्वी मंच, नमन काव्य रस के रसिक, नमन करूं कवि पंच। तो आइए गजल के कुछ शेर के द्वारा मैं अपनी बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, कि हो सके मेरा बसर छोटा भले घरबार हो, हो सके मेरा बसर छोटा भले घर बार हो, रह सकूं मैं सादगी से और सद्व्यवहार हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक गजल थोड़ा गायकी में सुना जाए। झटक के जुल्फ को पैनी नजर से बार हो जाए, झटक के जुल्फ को पैनी नजर से वार हो जाए, यही अरमान है दिल में कि नजरें चाहे, यही अरमान है दिल में कि नजरें चार हो जाए। लाजवाब। किसी दिन आँख मलते भोर में उठकर चली आना, किसी दिन आँख मलते भोर में उठकर चली आना, तेरी मदराइसी उस हुस्न का दीदार हो जाए। गौर कीजिएगा, महक तेरी चहक तेरी लचक तेरी, कहूँ मैं क्या, महक तेरी
चहक तेरी लचक तेरी आँखों में क्या हंसो तो होठ खुलते ही शहर गुलजार हो जाए होठ खुलते ही शहर गुलजार हो जाए हमें मालूम है तेरी अदाएं मार डालेंगी हमें मालूम है तेरी अदाएं मार डालेंगी करूं क्या जिंदगी लेकर मरण सौ बार हो जाए करूं क्या जिंदगी लेकर मरण सौ बार हो जाए हमारी मौत के पैगाम पर हैरान मत होना हमारी मौत के पैगाम पर हैरान मत होना नहीं रोना कि दिल का प्रेम सागर खारे हो जाए नहीं रोना कि दिल का प्रेम सागर खार हो जाए कफन पे नाम तेरा ही लिखा हो मुझे देना कफन पे नाम तेरा ही लिखा हो मुझे देना मरा कोई दीवाना बस ये स्वीकार हो जाए मरा कोई दीवाना बस ये स्वीकार हो जाए झटकते जुल्फ को पैनी नजर से वार हो जाए यही अरमान है दिल में कि नजरें चार हो जाए यही अरमान है दिल में कि नजरें चार हो जाए क्या बात है कहते हैं महफिल लूटना महफिल लूट ली सुना था कि कोलकाता के लोग मीठा बहुत खाते हैं और ये भी सुना था कि कोलकाता के लोग मीठा बहुत गाते हैं हाँ क्या बात और आज वो मीठापन जो कोलकाता का आवाज में जो माधुर्य झलका है ये माधुर्य शायद है कि दर्शकों को उनके घरों की टीवी स्क्रीन से कोलकाता की यात्रा करा के आया बहुत ही शानदार आपका कारोबार था और आपने एक प्रश्न उठाया था वो प्रश्न ये था कि जब हमने काट के एक भाग दे दिया है तो फिर आप फिर क्यों वही हरकत कर रहे हैं जिन हरकतों की वजह से आज पूरे विश्व में भारत को आप बदनाम करने की साजिश करते हैं लेकिन ये साजिशें कभी भी आपकी सही साबित नहीं होंगी क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्र प्रेम के गीत पढ़ने के लिए दीप चंद्र गुप्ता जी फतेहपुर से आ चुके हैं मैं उनका एक जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं दीप चंद्र गुप्ता जी आप सभी को नमन करता हूं और जितने भी श्रोता मेरे यहां पे जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं नमन करता हूं और मैं राष्ट्र प्रेम से आप सभी को जोड़ता हूं स्वागत है किसी ने मुझसे कहा कि आप अपने भारत को इतना महान क्यों कहते हैं तो उनको मैंने जो शब्द कहे उसको एक गीत के रूप में रखता हूं और आपको निवेदित करता हूं स्वागत माँ जैसा देती प्यार है मेरे भारत की धरती माँ जैसा देती प्यार है मेरे भारत की धरती खुशियों का संसार है मेरे भारत की धरती माँ जैसा देती प्यार है मेरे भारत की धरती यहाँ कल 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 कर
यहाँ कल 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 माँ गंगा है बहती, यहाँ कल 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 माँ गंगा है बहती, अब पापियों के पाप धोती भारत की धरती, पापियों के पाप धोती भारत की धरती। और क्या जवाब देता हूँ, यहाँ यहाँ देव भूमि की वादियाँ हैं, यहाँ देव भूमि की वादियाँ हैं, देवों से सजती, आगंतुक का हर्ष भाव से स्वागत है करती, आगंतुक का हर्ष भाव से स्वागत है करती। और मैंने क्या जवाब दिया, यहाँ के वंशीधर के बांसुरी संग, यहाँ के वंशीधर के बांसुरी संग दुनिया है नचती, यहाँ के वंशीधर के बांसुरी संग दुनिया है नचती, प्रेम का संदेश देती भारत की धरती, प्रेम का संदेश देती भारत की धरती। और क्या जवाब देता हूँ, यह ऋषि मुनियों की तपस्थली है, यह ऋषि मुनियों की तपस्थली है, यज्ञों से सजती, यह ऋषि मुनियों की तपस्थली है, यज्ञों से सजती, अब वसुधा को कुटुंब मानती भारत की धरती, वसुधा को कुटुंब मानती भारत की धरती। और आखिरी दो पंक्तियां रखता हूँ, आप सबको निवेदित करता हूँ, कहता हूँ अस्फाक भगत सिंह राजगुरु की, अस्फाक भगत सिंह राजगुरु की पावन ये धरती, अस्फाक भगत सिंह राजगुरु की पावन ये धरती, देश प्रेम का पाठ पढ़ाती भारत की धरती, देश प्रेम का पाठ पढ़ाती भारत की धरती, माँ जैसा देती प्यार है मेरे भारत की धरती, खुशियों का संसार है मेरे भारत की धरती, खुशियों का संसार है मेरे भारत की धरती। और इस गीत को झूम झूम कर हर भारतवासी अपने भारत पर गर्व कर रहा था, और गर्व करें क्यों ना, क्योंकि भारत ने ही मानव धर्म सिखाता भारत, सबको गले लगाता भारत, और सर्वे भवन्तु सुखिना वाला अनुपम पाठ पढ़ाता भारत। वाह, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सकल विश्व के कल्याण की कामना वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से भारत करता है। और भारत में अशफाक उल्लाह और भगत सिंह की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है कि जो यह साबित करती है कि भारत में सब लोग एक साथ रहते हैं, बस कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों के कर्म ऐसे गंदे हो जाते हैं कि वो कर्म हमको कहीं ना कहीं शर्मशार करते हैं। और ये कर्म की बात की है तो ऐसों के कर्म को सही ठिकाने लगाने के लिए आ रहे हैं कर्म राज शर्मा। तो कांत जी, एक जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम। आप सभी के सम्मुख मैं कुछ मुक्तक प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। पूरे जनमानस के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जहां की धरती से मैं आता हूं अयोध्या से, एक मुक्तक आपके सम्मुख रखता हूं। होवे चाहे बड़िया कि छोटी मिले, होवे चाहे बड़िया कि छोटी मिले, और जग में किस्मत किसी को ना खोटी मिले, है प्रभो
आपसे बस यही प्रार्थना, राम जी आपसे है यही कामना, एक लंगोटी मिले सब को रोटी मिले, एक लंगोटी मिले सब को रोटी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुख तक इस धरती पर जीवित भगवान अगर हैं तो वो हमारे माँ बाप हैं। मैं अपनी एक नई पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगा, एक मुख तक आपके सम्मुख रखता हूँ कि दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है, दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है, और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। तो कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। और मित्रों, एक मुख तक मैं अपनी भारत माता को, अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए आप सबके समक्ष रखता हूँ कि मादरे हिंद पे जो जान निसार कर देगा, मादरे हिंद पे जो जान निसार कर देगा, माँ के दामन को जो खूने जिगर से भर देगा, उसे दुनिया सलाम करती रहेगी यारों, उसे दुनिया सलाम करती रहेगी यारों, जाको अपनी जो इस वतन के नाम कर देगा, जाको अपनी जो इस वतन के नाम कर देगा। मित्रों, एक नन्हा सा गीत आपकी गोदी में रखना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आप तक वो गीत मैं पहुँचा सकूँ। सुनिएगा कि मोरी बिटिया चिड़ैया समान, मोरी बिटिया चिड़ैया समान, समैया पे फुर्र से उड़ी मोरी गुड़िया चिड़ैया समान। गीत का पद देखिएगा कि जा दिन जन्म भयो मोरे अंगना, जा दिन जन्म भयो मोरे अंगना, माई कहिन बाज दुअरे पे बजना, जिया हमरो अधिक हुलसान, समैया पे फुर्र से उड़ी मोरी गुड़िया चिड़ैया समान, समैया पे फुर्र से उड़ी मोरी बिटिया चिड़ैया समान। और मित्रों, मैं गीत का अगला पद आपके बीच में रखता हूँ, गीत का अगला पद आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा कि खेलत खात बढ़े निसिवासर, खेलत खात बढ़े निसिवासर, दौरी परे तुरत सुनिया खर, कहे बाऊजी कहे बाऊजी तोतली जुबान, समैया पे फुर्र से उड़ी मोरी बिटिया चिड़ैया समान, समैया पे फुर्र से उड़ी, कब भई बड़ी समझ नहीं पावा, ब्याहन के जब दिन नियरावा, लागे तनवा से, लागे तनवा से निकसे परान, समैया पे फुर्र से उड़ी मोरी बिटिया चिड़ैया समान, समैया पे फुर्र से उड़ी। और मित्रों, माँ तो विदा करते समय रो लेती है और मन को हल्का कर लेती है, लेकिन एक पिता बेटी का जब ब्याह होता है
तो उसके ब्याह से संबंधित जितनी चीज़ें खरीदने जाता है, यकीनन जब जब वो बेटी की विदाई के लिए जो सामान खरीदता है, तब तब उसकी आंखों से आंसू निकलता है। लेकिन समाज के आगे वो रो नहीं पाता, क्योंकि वो पिता है, उसको सामाजिक मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है। मैं अगली पंक्ति आपके सम्मुख निवेदन के साथ प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि छाती पर पाथर धर लीना और आशीर्वाद इह बस दीना, आशीर्वाद इह बस दीना, आवे जिंदगी माँ नवल बिहान, आवे जिंदगी माँ नवल बिहान, समैया पे फुर्र से उड़ी मोरी बिटिया चिरैया समान, समैया पे फुर्र से। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार काव्य पाठ कर्मराज जी का। और अब हम कविता के आज की इस चौपाल के, सतमोला की चौपाल के अनंतिम पायदान पर हैं, और समय हो रहा है वीडियो सेगमेंट का। वीडियो सेगमेंट में हमारे साथ में पंजाब की मोहाली की धरती से शालिनी मुंजाल जी ने अपना वीडियो भेजा हुआ है। हम स्वागत करते हैं उनका सतमोला की चौपाल में। दोस्तों, मोहब्बत जितनी खूबसूरत है उतनी जहरीली भी है। जहाँ ये मन को चैन देती है वहाँ उतना दर्द भी देती है। जिसने इसका स्वाद चख लिया फिर वो मर मर कर ही जीता है। एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी मैंने अपने ख्वाहिशों की, और उन ख्वाहिशों की लिस्ट में मैंने पहले पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा था, पर बाकी पन्नों पर भी सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र था। मेरे होठों पर लफ्ज भी, मेरे होठों पर लफ्ज भी अब तेरी तलब लेकर आते हैं। तेरे जिक्र से महक उठते हैं और तेरे सजदे से बिखर जाते हैं। कोई मरहम नहीं चाहिए मेरे जख्मों के लिए, एक तेरी झलक ही काफ़ी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। ये जो तुम मुझसे रोज मेरा हालचाल पूछते हो, ये जो तुम मुझसे रोज मेरा हालचाल पूछते हो, कसम से बड़ा मुश्किल सवाल पूछते हो। जबकि तुम जानते हो मेरा हाल क्या है, फिर ना जाने क्यों तुम मुझसे रोज ये मुश्किल सवाल पूछते हो। वाह 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 शालिनी जी, आपके काव्य पाठ ने आज इस पूरे कार्यक्रम को उत्कर्ष की ओर पहुंचाया है। समय हो रहा है दर्शकों से विदा लेने का, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम दर्शकों से जुड़े रहना चाहते हैं, और जुड़ने के लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, 9711182183। हाँ दर्शकों, इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिक्रियाएं हम तक भेजेंगे तो हमें और हमारी संपूर्ण सतमोला की कवियों की चौपाल परिवार को अच्छा लगेगा। और अगर आप भी नवांकुर के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई काव्य भावना ऐसी जागृत हो रही है, उस काव्य भावना को आप देश और विदेश के कवियों के बीच में ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सतमोला कवियों की चौपाल पिछले 18 वर्षों से हजारों नवांकुरों को एक मंच देने का काम किया हुआ है, और आपका भी इस मंच पर स्वागत है। आपको टीवी स्क्रोल पर नीचे दिए हुए नंबर 9711182183 में हिंदी में आपको दोहराना चाहता हूं, 9711182183 पर संपर्क करें और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.
हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों के चौपाल से तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर के साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन।